हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो मॉनसून सीजन में 100 में से 30% लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। 30 क्या, मैं ये तो एक शोध में पता चला है कि 30% लोग जो है वो ये बोलते हैं कि उनके बाल गिरने लग जाते हैं। अपना खुद का देख लीजिए कि मॉनसून सीजन में जो होता है बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। तो कुछ उसके कारण होते हैं। मॉनसून जो होता है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है मॉनसून सीजन में। तो अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान नहीं रखते हो तो आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि इस मॉनसून में आपके बाल गिरेंगे नहीं। इनफैक्ट जो भी बाल गिरे हुए होंगे वो वापस से उगने लगेंगे, नए बाल निकलने लगेंगे। तो वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है वर्षा और मेरे चैनल का नाम है इजी लाइफ विद वर्षा। तो आप वहाँ जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आज लिख के रख लिया है कि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है तो आपको बारिश में भीगना तो बहुत पसंद होता है, हम सबको, हम सब बारिश में भीगते हैं। लेकिन बाल जो होते हैं वो बारिश के पानी से बाल बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो जाते हैं। बालों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बालों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, जो बालों की रूट्स होती हैं, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बारिश में आपको भीगना है तो आप बारिश में भीगिए, लेकिन उसके बाद तुरंत ही आप हेयर वॉश कीजिए घर पे आके, और अपने बालों में कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए। तो सबसे पहला टिप यही है कि अगर आप बारिश में भीग रहे हैं तो आपको उसके बाद हेयर वॉश करना है, वो भी शैम्पू से, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि आपको ऑयलिंग करनी है। आप ऑयलिंग वैसे भी करते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि बहुत लोग बोलते हैं मॉनसून सीजन में ऑयलिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बाल पहले से बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मॉनसून सीजन में आपको ऑयलिंग करनी है। वीक में कम से कम 3 बार आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, और हेयर वॉश भी आपको कम से कम 3 बार करना है। आप मॉनसून सीजन में और ज़्यादा हेयर वॉश कीजिए, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है, अगर आपके जो भी बाल होते हैं, जो भी आपका स्कैल्प होता है, वो मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत जल्दी जो है ड्राई हो जाते हैं, या फिर किसी किसी के स्कैल्प पे पपड़ी वगैरह या कुछ फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। तो आपको हेयर वॉश करते रहना है। तो वीक में कम से कम 3 बार आपको हेयर वॉश करना है, और हेयर ऑयलिंग भी करनी है। ऑयलिंग जो होता है वो आपके बालों को मजबूत करता है, ना कि आपके बाल उससे गिरते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑयलिंग कैसे करनी है उसका भी एक मेथड है, एक प्रोसेस है। कोई भी, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं आप कीजिए। आपको यहाँ पे स्विच नहीं करना है। मॉनसून सीजन में कोई भी शैम्पू, कोई भी ऑयल, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपको वही यूज़ करना है, उसको स्विच नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब आप ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग आपको तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, गुनगुना कर लेना है, उसके बाद आपको ऑयलिंग करनी है। और आपको नेल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। आप फिंगर टिप्स की हेल्प से मसाज कीजिए बालों में। जितने अच्छे से आप मसाज करेंगे, सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बालों का, और बाल जो है आपके मजबूत होते हैं, उनकी जड़ों की जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है, तो आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है। तीसरी चीज़ है ऑयलिंग के बाद आपको, ये तीसरी टिप है, ऑयलिंग के बाद आपको कभी भी कॉम नहीं करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, उसके बाद आप ऑयलिंग कीजिए। लेकिन ऑयलिंग के बाद आपने कॉम नहीं करना है। आप अपने बालों में बन बना सकते हैं और ऐसे ही रहने दीजिए। और मॉनसून सीजन में जब भी आप कॉम करें तो कॉम या तो आपका वुडन होना चाहिए या फिर ब्रॉड होना चाहिए। इस तरीके के जो कॉम्ब होते हैं, आप वुडन कॉम्ब ले सकते हैं या इस तरीके का ब्रॉड होता है जो, उससे आप कॉम्ब करेंगे
तो आपके बाल टूटेंगे नहीं ज़्यादा, ब्रेकेज नहीं होगा बालों में। टिप नंबर 4 ये आई थिंक, आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। आपके डाइट में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, क्योंकि मॉनसून सीजन में हमें प्रोटीन की, हमारे बालों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप सैलड ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो आप अपने बालों में यूज़ करते हैं, जैसे कि मेथी हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे, ये अंदर से काम करेंगे और आपका हेयर फॉल ख़त्म होगा, हेयर ग्रो अच्छे से होगा, ब्रेकेज वगैरह नहीं होगा, बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पहली चीज़ तो अपने बालों को कवर करके रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी भी बाहर निकल रहे हैं आप अपने बालों को कवर करके ही निकलेंगे, और किसी तरह का केमिकल आपके बालों में यूज़ नहीं करना है। जैसे कि कलर वगैरह आप कराते हैं, कलरिंग हो गई या फिर स्ट्रेटनिंग वगैरह हो गया, स्मूदनिंग हो गया, आपको मॉनसून सीजन में ये सब नहीं कराना है। आपने अगर आप को बालों को कलर करना ही है, कुछ लोगों को वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो हिना यूज़ कर सकते हैं, बट किसी तरह का केमिकल आपको अपने बालों में नहीं यूज़ करना है मॉनसून सीजन में। इसके बाद बात आती है कि शैम्पू, तो शैम्पू मैंने आपको बता दिया कि शैम्पू बालों को भी आपको 3 बार धोना है, और हो सके तो प्लीज़ माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, हर्बल शैम्पू यूज़ कीजिए। बेबी शैम्पू आते हैं, हर्बल शैम्पू आते हैं, आप वो यूज़ कीजिए अगर आपने पहले कभी यूज़ किया है तो, नहीं तो आपको स्विच नहीं करना, आप जो यूज़ कर रहे हैं वो करते रहिए। इसके बाद आपने कभी भी गीले बालों को बांधना नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी में ऐसा होता है कि आप अपने बालों को गीला ही बांध लेते हैं और वो बाल सुबह से लेकर रात तक सूखते ही नहीं, गीले ही रहते हैं। अपने गीले बालों को बांधना नहीं है, आप सुखा लीजिए उसके बाद। और एक और चीज़, आपको अपने बालों में हेयर ड्रायर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है आपके बालों को सुखाने के लिए। हेयर ड्रायर जो होता है वो आपके बालों को कमज़ोर कर देता है, साथ ही साथ ड्राई कर देता है, और मॉनसून सीजन में तो इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपके बालों को। तो आप अपने बालों को नॉर्मल पंखे के नीचे सुखा लीजिए, या फिर आप टॉवल ड्राई भी कर सकते हैं, आप टॉवल से ड्राई कर सकते हैं, टॉवल से सुखा लीजिए, लेकिन आपको ना तो गीले बालों को बांधना है ना ही किसी तरीके के ड्रायर का यूज़ करना है। इसके बाद बात आती है कि आपको बालों में करना क्या है, तो आपने, मैंने बता दिया, आप बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं, बालों में अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, साथ ही साथ आप हेयर मास्क का यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार नीचे देख रही हूँ, मैंने आपको बताया था, मैंने लिख के रखा है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक एक टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं बोल रही हूँ कि आपके बाल बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं इस मॉनसून में। साथ ही साथ हेयर फॉल तो कम होगा ही, स्प्लिट एंड्स की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म होगी, और आपके बाल, नए बाल भी उगेंगे। तो आपको क्या करना है, हेयर मास्क का यूज़ भी करना है। और हेयर मास्क, जैसे कि मॉनसून सीजन मैंने आपको बताया प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके स्कैल्प को, आपके हेयर्स को, तो और प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है, एग में। तो आप एग का यूज़ कर सकते हैं, और जो लोग एग का यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, आप हनी का यूज़ कर सकते हैं, हनी के साथ आप बनाने का हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर दही और बनाना का हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, हनी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे हेयर मास्क हैं, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ भी मैंने हेयर मास्क शेयर किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको हेयर मास्क नहीं आता है बनाना तो हेयर मास्क आप यूज़ कीजिए, और किसी तरह का कंडीशनर का यूज़ मत कीजिए। शैम्पू यूज़ करते हैं आप, कंडीशनर का यूज़ मत कीजिए। अगर आप ये हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो आपको कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो आप हेयर मास्क ज़रूर यूज़ कीजिएगा वीक में, जब भी एक बार दो बार, मतलब जब आपको टाइम मिलता है आप हेयर मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता दूं कि जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो आपको क्या करना है, या तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, उसको आपको एक ढक्कन एक मग पानी में डाल देना है, और जब आपने हेयर
बाल अपने धो लिए हैं, शैम्पू कर लिए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, वही पानी अपने बालों पर डाल लेना है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, और उसके बाद सादा पानी नहीं डालना है, और ऐसे ही आप बाहर आ जाइए, अपने टॉवल से अपने बालों को सुखा लीजिए। सेकेंड चीज़ है, या तो आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं या फिर लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो लेमन भी वही करना, आप आधा लेमन लीजिए, एक मग पानी में लेमन निचोड़ दीजिए, और वो भी आप अपने बाल उससे भी उसी तरीके से शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों पे वो पानी डाल लीजिए। उससे क्या होगा, लेमन जो होता है ये आपके बालों के फंगल इन्फेक्शन को दूर करेगा, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करेगा, साथ ही साथ आपके बालों में जो है, जो आपके बालों को एक्चुअली में चाहिए मानसून सीजन में, वो ये लेमन और विनेगर देंगे, और आप देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ और आपके बालों की शाइन वैसे की वैसी रहेगी। और आपको रबर बैंड्स का यूज़ नहीं करना है, आपने ध्यान रखना, अगर आप बालों को अपने बांधते हैं, बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखना है, और आप अगर बालों को बांधते हैं तो रबर बैंड्स का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि रबर बैंड जब आप खींच के निकालते हैं तो उसके साथ साथ जो उसमें बाल फंसे हुए होते हैं वो भी टूट कर निकल जाते हैं। तो आप ऐसे बैंड्स का यूज़ कीजिए, जैसे साटिन के आते हैं, कपड़े के आते हैं, उस तरीके के बैंड्स का यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छे होते हैं, इजीली आपके बालों से निकलते हैं और आपके बालों को खींचते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके बालों में ब्रेकेज नहीं होता, आपके बाल टूटते नहीं हैं या फिर जड़ से नहीं निकलते हैं। तो रबर बैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रबर बैंड्स मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ कि स्विच मत कीजिए, मानसून सीज़न में जो आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं वही यूज़ कीजिए, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, लेकिन रबर बैंड्स प्लीज़ चेंज कर दीजिए। अगर आप रबर बैंड्स यूज़ करते हैं तो चेंज कर दीजिए, कपड़े के या साटिन के जो भी रबर बैंड्स आते हैं वो यूज़ कीजिए, और बालों में बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बन वो स्टाइल ये हेयर स्टाइल, ये भी बहुत हद तक आपके बालों को नुकसान पहुँचाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा खींचते हैं, टूटते हैं। तो मानसून सीज़न में हो सके तो आप सिंपल हेयर स्टाइल्स फॉलो कीजिए। क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आपको हेयर स्टाइल करना ही है तो ध्यान से कीजिए, ऑयलिंग वगैरह करते रहिए, और हो सके तो स्किप कीजिए जो सिंपल हेयर स्टाइल होते हैं, जिन पे आपके बाल जिनसे बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं, उनको फॉलो कीजिए कुछ दिन तक, उसके बाद आप जैसा आपको पसंद हो वो हेयर स्टाइल कर सकते हैं, पर मॉनसून सीजन में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जितने भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप सचमुच उसे फॉलो करेंगे, इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मतलब पूरी तरीके से का मतलब ये नहीं है कि एक भी बाल नहीं गिरेगा, आपको भी पता होगा कि बाल जो होते हैं वो गिरते ही गिरते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर नए बाल उग नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम है, या फिर 100 से ज़्यादा बाल, हम काउंट नहीं करते पर एक आइडिया लगता है कि अगर आपके 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं इसका मतलब आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। तो आप वो चीज़ आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही है तो उसे हम हेयर फॉल कहते हैं या हेयर ब्रेकेज कहते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल हेयर फॉल बाल फंसे हुए आप कॉम कर रहे हो, अगर थोड़े बहुत बाल 2-4 बाल 10 बाल गिर भी रहे हैं तो उसको हेयर फॉल नहीं कहा जाता है। तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर ले आऊँगी वो वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।